हर साल 17 सितंबर को ब्रह्मांड के दिव्य इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। देश भर के कलाकारों और शिल्पकारों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। बता दें कि इस दिन औजारों, उपकरणों, मशीनरी की पूजा की जाती है। ऐसे में यहाँ 10 भोग आइडियाज हैं जिन्हें आप भगवान विश्वकर्मा को अर्पित कर सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी की सरल तैयारी के लिए केवल 2 मुख्य सामग्रियों मूंग दाल और चावल की आवश्यकता होती है, जिन्हें नमक, हल्दी और मसालों के साथ पकाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को चढ़ाने से पहले खिचड़ी के ऊपर देसी घी डाला जाता है। खीर। हिंदू परंपरा में हर शुभ अवसर पर खीर बनाई जाती है। चावल को दूध के साथ पकाया जाता है और चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू एक लोकप्रिय प्रसाद है और इसे कई हिंदू देवताओं को चढ़ाया जाता है। बूंदी को बेसन के साथ तैयार किया जाता है और फिर चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है, जिसे बाद में लड्डू का आकार दिया जाता है। नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू को कसा हुआ नारियल, गाढ़ा दूध, इलायची पाउडर और घी के साथ बनाया जाता है और कटे हुए मेवों से सजाने से पहले गेंदों का आकार दिया जाता है। पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। इसे आमतौर पर हिंदू धार्मिक समारोह के दौरान भोग के रूप में पेश किया जाता है। पुआ। गेहूं के आटे, चीनी, दूध और इलायची पाउडर को घोल में मिलाकर बनाया जाता है, फिर इसे सुनहरा भूरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है। फल। केला और सेब जैसे फल हिंदू धर्म में पूजा समारोह के दौरान भोग के रूप में लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।